जनपद में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी के विजय पांड्यन ने नगरीय क्षेत्र में 11 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नगरीय क्षेत्रों में ही नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जो रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू में आवश्यक वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सरकारी कर्मचारी, चिकित्सा, पैरामेडिकल स्टाफ, मीडिया कर्मी अपने परिचय पत्र को दिखाकर जा सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यात्री टिकट दिखाकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा एटीएम बैंक कर्मी भी अपना आई कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने बताया कि नाइट कर्फ्यू को कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसके लिए प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी बनाकर ही काम करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया, बस एक नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कल अर्थात 11 अप्रैल 2021 को रात्रि 9 बजे से प्रातःकाल 6 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू होगी। इसमें जो चीज़ें अनुमन्य हैं अर्थात जिनको इस रात्रि निषेधाज्ञा से छूट प्रदान होगी, वे होंगे भारत सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी, या इस प्रकार के जो भी शासकीय विभाग के कर्मचारी हैं, या पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, ये सभी लोग अपने वैध आई कार्ड के साथ इनका आवागमन अनुमन्य होगा। इसी प्रकार से निजी चिकित्सा कर्मी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और सभी प्रकार की डायग्नोस्टिक क्लिनिक, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल, आज सभी ऐसे जो कार्यों से रिलेटेड लोग हैं, वे भी अपना आई कार्ड दिखा करके चल सकेंगे। शादी विवाह या अन्य जो भी कार्यक्रम होंगे, वो उनमें जो प्रोटोकॉल लागू है वो लागू रहेगा। गर्भवती महिलाओं को आवागमन में स्वास्थ्य या चिकित्सा सेवा लेने में कोई रोक नहीं होगी। हवाई अड्डा, रेलवे लाइन या बस अड्डे जाना होगा किसी को, तो अपना वैध टिकट दिखा करके वो जा सकेंगे। आवश्यक वस्तुओं का परिवहन प्रतिबंधित नहीं रहेगा। इसी प्रकार से डेयरी, दूध, पशुचारा, एटीएम, सभी समाचार पत्र अर्थात प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी पत्रकार बंधु हैं, वो वैध आई कार्ड के साथ वो अपनी ड्यूटी निभा सकेंगे। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम आदि, इस ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में कल के समाचार पत्र में विस्तार से प्रिंट होगा, जिसको लोग अपने पास रख लें। जिन चीज़ों पर कड़ाई से जिनका अनुपालन किया कराया जाएगा, वो होगा प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग की जाएगी और रात्रि निषेधाज्ञा को रोका जाएगा। मास्क को 100% इंश्योर किया जाएगा कि सभी लोग मास्क पहन करके ही बाहर निकले। अगर कोई व्यक्ति बगैर मास्क के बाहर निकलता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से सभी कार्यालयों में पीए सिस्टम कार्य करते रहेंगे, जो दिन के समय में लोगों को जागरूक करेंगे। यह व्यवस्था जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ये रात्रि निषेधाज्ञा चलेगी। 18 अप्रैल के बाद इस पर पुनः विचार होगा। सर, एरिया क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा? ये शहरी क्षेत्र है हमारा, केवल शहरी क्षेत्र में यह लागू रहेगा।